आगे बढ़ते हुए बात करते हैं सियासत की। फरवरी की हल्की हल्की ठंड में सियासी सरगर्मी लगातार बढ़ रही है। 2024 के चुनाव में जो लड़ाई एनडीए वर्सेस इंडिया होने वाली थी, अब उसकी तस्वीर बदलती नजर आ रही है। धीरे धीरे करके इंडिया के साथ ही साथ छोड़कर एनडीए के कुनबे में शामिल होते जा रहे हैं। तो क्या 24 की लड़ाई में विपक्ष के सारे योद्धा बिखर जाएंगे? हम आपको इस वक्त की 5 बड़ी सियासी खबरें इससे जुड़ी हुई बता देते हैं। दोपहर 3:30 बजे सरकार का श्वेत पत्र सामने आना है, निर्मला सीतारमण इसे रखेंगी सामने। ऐसे में अगली बड़ी खबर जिस पर हमारी नजर बनी रहने वाली है वो ये कि यूपी में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से 20 सीटों की मांग कर दी है, इस पर क्या रुख रहने वाला है ये भी अपडेट्स आपके सामने हम रखेंगे। इसके अलावा जयंत पर अखिलेश का बयान, इसके क्या मायने हैं, इसे भी समझाने की समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस क्या अलग अलग चुनाव लड़ेंगी, इसको लेकर अब तस्वीर साफ होती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा एनडीए के कुनबे में टीडीपी की एंट्री को लेकर भी खबरें सामने आ रही है, रुख उसका भी करेंगे। लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। यूपी से इंडिया को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कांग्रेस ने यूपी में 20 सीटों की मांग कर दी है। कांग्रेस ने अखिलेश यादव को बाकायदा चिट्ठी लिखी है, कांग्रेस ने 20 सीटों के नाम भी भेज दिए हैं अखिलेश यादव को। ऐसे में ये बड़ी सियासी हलचल इंडिया कुनबे में नजर आ रही है, जहां पर कांग्रेस की ओर से यूपी में 20 सीटों की मांग कर दी गई है। अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखी गई है कांग्रेस की ओर से, वो 20 सीटें कौन सी होंगी, इनके नाम भी अखिलेश यादव को भेज दिए गए हैं। आपने 11 सीटें दी, बात 20 की नहीं है, बात 20 की नहीं है। मैंने कहा जीत के आधार पे ही गठबंधन होगा। पीएम के खिलाफ कोई गठबंधन का प्रत्याशी तय हुआ अभी? ये लोकसभा तो है ना, और पिछली बार भी उतरा था प्रत्याशी, बहुत जल्दी हम लोग बातचीत करके प्रत्याशी उतारे। तो आइए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे रोविंग एडिटर पंकज झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। पंकज, ये 20 सीटें कौन कौन सी हैं जिसको लेकर कांग्रेस ने सीधे तौर पर अखिलेश यादव को अप्रोच किया, चिट्ठी लिखी है? देखिए प्रतिमा, चौथे राउंड की बातचीत के बाद दोनों ही पार्टियों के बीच में एक डेडलॉक हो गया था। समाजवादी पार्टी की ये जिद थी कि कांग्रेस की तरफ से सीटों के साथ साथ उनके उम्मीदवारों के भी नाम बताए जाएं, लेकिन कल कांग्रेस की तरफ से अखिलेश यादव को जो चिट्ठी भेजी गई है उसमें 20 सीटों की मांग की गई है। उसमें पहले से बहुत सारी सीटें थी जिसमें रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, बलिया, भदोही और आपको बताऊँ सहारनपुर है। एक जो नया नाम जुड़ा है जो हमें जानकारी मिली है सूत्रों के हवाले से, वो देवरिया, जहाँ से कांग्रेस पार्टी के भी लोग चुनाव लड़ना चाहते समाजवादी पार्टी के भी। तो कुल 20 सीटों की मांग की गई है। अखिलेश यादव बनारस गए थे, लौट कर जब आएंगे तो उस पर चर्चा की जाएगी, लेकिन पहली बार अधिकृत तौर पर अगर देखें तो 20 सीटों की मांग कांग्रेस की तरफ से की गई है। अखिलेश यादव ने पहले ही 11 सीटें छोड़ने का ऐलान किया था, लेकिन दोनों ही पार्टी के हाईली प्रेस सोर्सेज से जो जानकारी मिल रही है उसमें यह है कि राहुल गांधी जब यहां आएंगे यूपी में न्याय यात्रा में, उससे पहले ही दोनों ही पार्टियों के बीच सीटों का बंटवारा हो सकता है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं जहां पर कांग्रेस ने 20 सीटों के नाम अखिलेश यादव को भेजा। अब इस पर बात बनती है या फिर बात बिगड़ती है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अगली बड़ी खबर का हम रुख करने जा रहे हैं, जयंत चौधरी को लेकर अगली बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अंतिम दौर में बीजेपी और आरएलडी में बातचीत चल रही है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, आरएलडी ने 4 लोकसभा सीटों की मांग की है। सूत्रों के हवाले से एक और बड़ा अपडेट आपके सामने, बीजेपी ने 2 सीट का ऑफर दिया है गठबंधन के लिए, 2+1 पर बन सकती है बात। 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा सीट पर बात जारी है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, जहां पर आरएलडी और बीजेपी में बातचीत हो रही है। सीटों का जो फॉर्मूला है उस पर हालांकि अभी बातचीत चल रही है। आनंद प्रकाश पांडे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गया है। आनंद, क्या जो फॉर्मूला है उसको लेकर भी अभी कोई डाउट चल रहा है कि ये 4 सीटें लोकसभा की होंगी या फिर 2+1 जो फॉर्मूला निकल कर सामने आ रहा है उस पर बातचीत चल रही है? देखिए, जो हमें जानकारी मिल रही है बीजेपी और आरएलडी के बीच में जो गठबंधन को लेकर बातचीत अंतिम दौर में है, हालांकि आरएलडी ने 4 सीटों की डिमांड रखी है, लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि चूंकि समाजवादी पार्टी और बीएसपी के साथ गठबंधन में 2019 के चुनाव में आरएलडी को सिर्फ 3 सीटें गठबंधन ने दी थी समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने, तो ऐसे में बीजेपी ने सिर्फ 2 सीटों का ऑफर दिया है। लेकिन चूंकि बातचीत अंतिम दौर में, तो ऐसे में बताया जा रहा है कि बीजेपी आरएलडी को 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा की सीट दे सकती है, जिससे डील डन हो सकती है। और ऐसे में बताया जा रहा है कि जल्द ही 1-2 दिनों में, 2-4 दिनों में इस बात का ऐलान हो सकता है। बातचीत अंतिम दौर पर चल रही है, 2+1 पे बातचीत बीजेपी और आरएलडी के बीच में। इस वक्त बड़ी खबर एक और सामने आ रही है, जयंत चौधरी के एनडीए में जाने की खबरों पर अखिलेश यादव का बयान सामने आया है।
बीजेपी दलों को तोड़ना जानती है, कहना अखिलेश यादव का। बीजेपी किसको कब लेना है वो जानती है, बीजेपी बेईमानी करना भी जानती है, किसके पास ईडी आईटी को भेजना है उनको पता है, कहना अखिलेश यादव का। मुझे उस संबंध में कोई बात नहीं कहनी है, और अगर कहनी भी पड़ेगी मैं कह चुका हूं, और हम अपनी बातचीत कर लेंगे, उससे क्या रास्ता निकल सकता है, उस दिशा में काम करें। राहुल गांधी ने कहा है। देखिए जीत ही देखिए 20 25 30 कोई सीमा नहीं है, 50 हम तो कहते 80। सवाल ये कि जीत का ये गठबंधन है, अगर मेरा कोई साथी जीत रहा है तो उसको मौका मिले, अगर आपका कोई साथी समीकरण के हिसाब से जीत रहा है तो आपको मौका मिले, इसमें कहीं कोई दुविधा नहीं है, जीत ही गठबंधन है। और उत्तर प्रदेश नहीं, देश की जनता भी यही चाहती है कि वही चुनाव मैदान में आए जनता के बीच में जो जीत सके, जब बीजेपी समीकरण बना रही है।